गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं पर दिया जाए विशेष ध्यान। 7 सितंबर से होगा पोषण माह की शुरुआत। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा, कुशीनगर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य अंतिम चरण में, जल्द शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व महंत अवैधनाथ की छठवीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषय पर रखे अपने अपने विचार। कहा, किसी देश की संस्कृति ही होती है उसकी आत्मा, गाय हमारे भारतीय संस्कृति की है प्राण। नायाब तरीके से ट्रेवलर गाड़ी में लाद कर ले जा रहे हरियाणा निर्मित 423 बोतल इंपीरियल ब्रू शराब को चौरी चौरा पुलिस ने किया बरामद। चालक और खलासी समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 अवैध देशी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक। कोरोना से प्रभावित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के स्वास्थ्य की ली जानकारी। कहा, बनाए रहे नजर, न होने पाए कोई लापरवाही। चिलुआ ताल पुलिस ने 6 महीने से दुष्कर्म और SC/ST टीम के मामले में फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने दी जानकारी। SDM सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे लेखपाल और अमीनों की संयुक्त बैठक। लोगों से की अपील। कहा, लक्षण दिखने पर जांच केंद्रों पर पहुंचकर कराए कोरोना का निःशुल्क जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। खजनी पुलिस ने पॉस्को एक्ट के वांछित चल रहे अभियुक्त रविंद्र निषाद को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में शुक्रवार को कोरोना के मिले 213 नए संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या हुई 10,423। एक्टिव मरीज हुए 2,807। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नाबार्ड द्वारा संचालित कृषक उत्पादकता समूह की बैठक। किसानों के आमदनी को बढ़ाने के दिए निर्देश। कांग्रेसियों ने किया प्रदेश में बुनकरों की बिजली के बिलों को माफ करने की मांग। जिलाध्यक्ष ने कहा, किसानों की तरह बुनकरों के बिजली बिलों को भी किया जाए फिक्स। ब्रह्मलिंत महंत दिग्विजय नाथ एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास ने किया राम सीता विवाह का वर्णन। कहा, भक्त का भगवान में होना चाहिए परम दृढ़ विश्वास। गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने अनलॉक 4 में 21 सितंबर से शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थलों पर 100 सदस्यों की छूट की संख्या को बढ़ाकर 400 करने की मांग, जिससे चल सके टेंट हाउस का कारोबार। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने की प्रेस वार्ता। कहा, परीक्षाएं, चुनाव, धार्मिक आयोजन सभी नियमों के साथ होने की मिल रही है अनुमति, तो फिर रेस्टोरेंट्स को भी नियमों के तहत कार्य करने की दी जाए अनुमति। और कन्नौजिया समाज के सैकड़ों लोगों ने ग्रहण की समाजवादी पार्टी की सदस्यता। जिलाध्यक्ष ने कहा, कन्नौजिया समाज के सदस्यों के जुड़ने से पार्टी होगी मजबूत।